नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर राशि वालों का आज का दिन यानी कि 9 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे जय श्री कृष्ण कमेंट कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान आपको अपने रहन सहन, अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अपने दिन की शुरुआत आप ध्यान और योगा से करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, आपके बॉडी में ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में आपका समय आपका साथ देगा या नहीं देगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ धन संपत्ति का लेन देन करते हैं, पैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो लेन देन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। इस लेन देन के कारण आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। मित्रों, आने वाले समय से पहले अगर आपके घर परिवार में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय के दौरान उस परेशानी को, उस समस्या को आपको खत्म करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा करते हैं, कोई भी प्रॉमिस करते हैं, तो वादा करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आप जो भी वादा करने वाले हैं, क्या उस वादे को पूरा करने में आप सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप वादा करें, अन्यथा वादा करने से आपको बचना होगा।
मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके प्रेम संबंध में अगर कोई भी बाहरी इंसान, कोई भी तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, तो किसी तीसरे इंसान के कारण आपके प्रेम संबंध में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है? मित्रों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आज के दिन इलायची का सेवन आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। मित्रों, आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है भूरा और सलेटी। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 4 यानी कि 4। तो यही था आज के दिन का राशि फल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।